हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। अगर इसके पहले के प्रैक्टिस सेट्स आप नहीं लगाए हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पर भी दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, उन प्रैक्टिस सेट्स को भी जाके जरूर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे कोई भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ या प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 21, इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्शन एंगल एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पैसेज, इट्स हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी वुड बी। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है क्वेश्चन है। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक चैप्टर में से एक ये ऐसा टॉपिक है कि इससे क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं, क्योंकि इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं तीन फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता है। तो वो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको जरूर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बोल रहा है, कह रहा है कि एक ई काइनेटिक एनर्जी से जो ऑब्जेक्ट है फेंका जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल बनता है उस एंगल से। तो पूछा है कि मैक्सिमम हाइट पे, मतलब कि ऐसे मैक्सिमम रेंज हमने मान ली कि थीटा है, तो उसने बोला ये मैक्सिमम जो हाइट है यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब मान लीजिए इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी जब फेंका गया था तो वो ई थी, ठीक है। आपको ऑप्शन में बता देता हूँ, ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ई बाई टू, ऑप्शन सी ई बाई थ्री और ऑप्शन डी जीरो, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग लगा लीजिए, वीडियो भी पॉज करके लगा लीजिए और जब लगा लीजिए फिर देखिए कि मैं आंसर आपको बता रहा हूँ आपका मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं आप। तो अब इसमें क्या है कि आपने देखा कि जो मैक्सिमम दूरी के लिए जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो उसके लिए हम लोग एंगल क्या लेते हैं, 45 लेते हैं ना, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं थीटा, ठीक है। अब मान लीजिए मैक्सिमम हाइट ये रही, तो मैक्सिमम हाइट ये रही, इसके हम दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल, एक कर लेते हैं वर्टिकल। एंगल ऐसे फेंका था तो मतलब कि ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर थीटा अगर देखा जाए तो ये थीटा यहाँ पर भी वही बनेगा, है ना, जो यहाँ पर लिया था वही चीज़ हमने यहाँ ले ली, ई थी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इसके साथ एंगल जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा ई कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा ई साइन स्क्वायर थीटा, जो एंगल से अलग है। इस चीज़ का याद रखिएगा, हम लोग वैसे अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग लिखते थे कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, जो एंगल के साथ जुड़ा है, और जो एंगल के साथ नहीं जुड़ा उसको हम लोग ई साइन स्क्वायर थीटा लेंगे, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आपका कॉस है स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह आप जब 45 पुट करेंगे तो कॉस 45 वन बाय रूट टू होता है, कॉस वन बाय रूट टू का स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो मतलब कि ई बाई टू आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो सही हो जाएगा। आई होप बहुत से लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि जब कंपोनेंट है वो यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे ऐसे एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी थीटा बन जाएगा, कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल निकाल दिया, एक वर्टिकल निकाल दिया, और यहाँ पे जो थीटा है तो इसके साथ थीटा के साथ जो बन लाइन जा रही है उसको हम लोग ई कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और जो वर्टिकल लाइन जा रही है उसको हम लोग ई साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो ई कॉस स्क्वायर थीटा जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था इसकी काइनेटिक एनर्जी ई थी, इसीलिए हमने ई लिया हुआ है, और कॉस स्क्वायर थीटा कंपोनेंट जब एंगल जुड़ा इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा जो है कंपोनेंट लिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश में कोई प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहा होगा, और आपके एग्ज़ाम भी पास में ही है तो अपनी पढ़ाई भी कीजिए और प्रैक्टिस सेट्स को भी डेली लगाइए। लेकिन हाँ, मैं डेली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं ला सकूँ, और कोशिश रहेगी मैं कि आपसे आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करता रहूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ सम पार्टिकल रोटेट ऑन ए सर्कुलर पाथ, कुछ पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहे हैं तो द फोर्स डैट मेंटेन इट्स रोटेटिंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड। तो जो वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फोर्स को क्या बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ऑप्शन ये रहे आपके, ऑप्शन ए सेंट्रीपेटल फोर्स, ऑप्शन बी एटॉमिक फोर्स, ऑप्शन सी इंटरनल फोर्स, या फिर ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
आप लोगों ने अगर मेरी पिछली प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो देखी है तो उसमें भी क्वेश्चंस कई बार आए हैं, तो आपको आसानी से आ गया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इन अ सिंपल पेंडुलम आइसोक्रोनस लेंथ इज इक्वल टू, एक सिंपल पेंडुलम है उसकी जो आइसोक्रोनस लेंथ है वो किसके बराबर होगी। ऑप्शन देख लेते हैं फिर मैं आपको बता भी दूंगा। मुझे मालूम है कि बहुत से लोगों को आइसोक्रोनस का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन बी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन सी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको सबसे क्या बोलते हैं आइसोक्रोनस बता दूंगा तो आंसर ही पता चल जाएगा, इसलिए आप लोग पहले टिक कर लीजिए। आप अगर तुक्का भी लगा रहे हैं तो तुक्का भी लगा के देख लीजिए कि सही बैठता है कि नहीं बैठता है। तो चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन। ठीक है, जो पेंडुलम होता है वो पेंडुलम किसी जगह से बंधा होगा, वहाँ से एक थ्रेड आ रही होगी जहाँ पे ये पेंडुलम होगा और ऐसे वो फ्रो एंड फ्रो करेगा ना। तो यहाँ पे ये जो सेंटर वो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सस्पेंशन, ये सस्पेंशन मैंने लटकाया गया तो इसका जो सेंटर है, और ये सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन ये जिसका जो सेंटर है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोक्रोनस लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंटिन्यूस एंटी नोड्स ऑफ ए स्टेशनरी वेव इज, दो कंटिन्यूस स्टेशनरी वेव जो होती हैं उनका एंटी नोड्स ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव्स की जो एंटी नोड्स होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। ऑप्शन ए वन वेव लेंथ, ऑप्शन बी हाफ वेव लेंथ, ऑप्शन सी टू वेव लेंथ, और या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे होगा, देखिए ऐसे यहाँ पे जैसे ये एक वेवलेंथ गई और दूसरी, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जहाँ पे टच हो रही है उसको बोलते हैं हम लोग नोड, इस बीच वाले को बोलते हैं एंटी नोड, फिर इसको बोलेंगे नोड, फिर इसको एंटी नोड, और फिर इसको बोलते हैं नोड। ये पूरी लेंथ आपकी लैम्डा होती है, तो इसका मतलब कि बस इतना पार्ट, इतने पार्ट की बात करें तो ये लैम्डा बाई फोर हो जाएगी। लेकिन इसने क्या बोला, दो एंटी नोड। अब यहाँ पे से एक बार ये पाई बाई फोर हो गए, ये पाई बाई फोर मतलब कि ये आधा है तो मतलब पाई बाई टू हो जाएगी, ये पाई बाई टू तभी तो पूरा पाई होगा। अब उसमें इसने बोल दिया है कि ये जब नोड से नोड के बीच की दूरी पाई बाई टू है तो एंटी नोड से एंटी नोड के बीच की भी दूरी तो पाई बाई टू होगी, तो ये हो जाएगी हाफ वेव लेंथ। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। टू सिमिलर वेव्स, दो सिमिलर वेव्स हैं प्रोपगेट इन अपोजिट डायरेक्शंस इन अ मीडियम, किसी मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, क्या है सिमिलर वेव्स हैं और अपोजिट प्रोपोगेट कर रही हैं, मतलब कि एक ऐसे अगर जा रही है तो दूसरी ऐसे आ रही है अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से। तो बताइए ऑप्शन ए एब्जॉर्ब साउंड एनर्जी, बी क्रिएट बीट्स, या सी क्रिएट स्टेशनरी वेव्स, या डी क्रिएट रेजोनेंस। तो सही आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या हो सकता है आपकी नज़र में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं बता देता हूँ वो है क्रिएट स्टेशनरी वेव्स। दो सिमिलर वेव्स अगर प्रोपोगेट कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन से किसी मीडियम में तो वो क्या करेंगी, स्टेशनरी वेव्स क्रिएट करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है रिएक्टेंस, ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी मो, ऑप्शन सी फ्रैड, ऑप्शन डी एम्पियर। नहीं भी पता है तो भी आप एक तरीके से गैस करके देखिए कि क्या आपका सही होता है कि नहीं, बाद में तो मैं बताऊंगा ये आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो 26 का है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम। ठीक है, रिएक्टेंस भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जो कि तीन अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस को मिला के बना होता है, एल सी आर, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं। किसी दो के कॉम्बिनेशन को, चाहे एल सी हो जाए या फिर सी आर हो जाए फिर एल आर हो जाए, उसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है तो रजिस्टेंस ही, सिंगल सिंगल किसी को भी देख लो, इंडक्टेंस कैपेसिटर या रजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस है, लेकिन तीनों को अगर मिला दो तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिएक्टेंस। जब रेजिस्टेंस ही है तो उसका यूनिट भी रेजिस्टेंस होगा,
ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27, अ हॉट वायर मीटर मेजर द डैश ऑफ एसी करंट। ऑप्शन ए पीक वैल्यू, ऑप्शन बी एवरेज वैल्यू, ऑप्शन सी रूट एवरेज स्क्वायर करंट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो हॉट वायर मीटर होता है, इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ये एक वर्बली क्वेश्चन है। जो हॉट वायर मीटर होता है वो IRMS वैल्यू को क्या करता है, मेज़र करता है। IRMS मतलब कि I तो करंट हो गया, आप समझ गए, और RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। AC करंट में जो है IRMS वैल्यू होती है ना, उसी को ये मेजर करता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका रूट एवरेज स्क्वायर करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28, इन अ पी एन जंक्शन, उसके बाद उसके आगे की कहानी नीचे लिखी हुई है। ऑप्शन ए दे आर टू सेमीकंडक्टर जंक्शंस, ऑप्शन बी देयर आर टू मेटल जंक्शन, ऑप्शन सी देयर इज अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, ऑप्शन डी देयर इज अ मेटैलिक सुपर कंडक्टर जंक्शन। तो फ्रेंड्स बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देयर आर टू सेमीकंडक्टर जंक्शंस। ये जो पीएन जंक्शन है ना, ये सेमीकंडक्टर्स को मिला के बनाया गया, पी भी सेमीकंडक्टर और एन टाइप का भी जो है सेमीकंडक्टर, दोनों को मिला के पीएन जंक्शन बनाते हैं। तो क्या है, देयर आर टू सेमीकंडक्टर जंक्शन, दो सेमीकंडक्टर जंक्शंस हैं, ठीक है। मेरे को थोड़ा जुकाम है इसलिए मैं थोड़ा क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29, द पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक एमिशंस, थर्मोडायनेमिक एमिशन से कौन सा पार्टिकल एमिट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप में से सबने आंसर सही दिया होगा, मुझे यकीन है आप लोगों पे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज़ है जो निकलती है, ना ही प्रोटॉन निकलेगा ना ही न्यूट्रॉन, क्योंकि वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस कहीं से निकल नहीं सकता। न्यूक्लियस निकला तो भैया पूरा मामला ही ख़राब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर शेल में घूम रहे होते हैं वही निकलते हैं, एनर्जी ले लेते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेन करंट कैरिंग आर, इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें से जो करंट कैरी होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेन कौन है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी होल्स, ऑप्शन सी फोटॉन्स या ऑप्शन डी प्रोटॉन्स। आई होप आप में से बहुत से लोगों को ये आंसर पता भी होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। देखिए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, आपको मालूम है, इसमें क्या इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, इम्प्योरिटी। अब पी टाइप में बताएं किस कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, वो होती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में होती है 5 वैलेंसी, जिसमें से 4 फिल हो जाती हैं और एक बच जाती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो पूरे सर्किट में घूमता रहता है, ठीक है। एक ही नहीं बचता है, ऐसे करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, क्योंकि जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है फॉस्फोरस, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जिसमें से 4 वो बॉन्ड बना लेता है, एक बच जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं पी टाइप में, और एन टाइप में क्या होता है, होल्स एक्सेस में होते हैं। उसमें जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है वो मिलाई जाती है एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम में 3 वैलेंसी होती हैं, तो तीनों बॉन्ड तो बना लेते हैं लेकिन एक बॉन्ड खाली रह जाता है, जिसको हम लोग होल बोलते हैं, तो उसमें होल एक्सेस में होते हैं, ठीक है। अगर पूछ लेता एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कैरिंग क्या है, मेन करंट कैरिंग क्या है, तो कह दोगे होल्स, लेकिन जब पी टाइप की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो मेरा ये सब पढ़ाना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ द मीडियम इज, लाइट का जो डिस्पर्जन है वो पॉसिबल कब होता है, अगर मीडियम कैसा हो। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी वाटर और ग्लास, या फिर ऑप्शन डी सम ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये तो ऑप्टिक्स का चैप्टर है, इसमें आप लोगों ने बहुत ही इजीली बता भी दिया होगा आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सम ट्रांसपेरेंट मीडियम। आपने प्रिज्म का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो प्रिज्म में वाइट लाइट डालते थे, वो अलग अलग उसमें रंगों में बट जाती थी, लाइट का डिस्पर्जन हो जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कलर ऑफ लाइट इज आइडेंटिफाइड विद,
जो लाइट का कलर है वो हम लोग किस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 33, इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज इज मोस्टली लाइक टू गेट इन टू द सिस्टम। ऑप्शन ए एट द ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी इन द चैनल, और ऑप्शन सी इन द फॉर्मेशन सोर्स। आई होप नो कि क्या लिखा है क्लियरली, और ऑप्शन डी एट द डेस्टिनेशन। चिंता करने की बात नहीं है, आप चाहें तो इस सी नंबर हटा भी सकते हैं क्योंकि ये आंसर नहीं है। तीन ऑप्शन आपके पास अभी तब भी हैं, तो आपको तीन ऑप्शन में से बताना है क्या सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आंसर बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा सही, उसका आंसर हो जाएगा बी इन द चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर हम 40 में सीधे कैसे आ गए, अभी तो 33 कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए हैं, जो आपके सिलेबस में है, तो वही क्वेश्चन तो आप पढ़ेंगे। आपको हम ग्रेजुएशन का तो पढ़ाएंगे नहीं, 10+2 लेवल का आ रहा है तो उसी से रिलेटेड आपको कराएंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ग्रेजुएशन लेवल के भी डाल दिए गए हैं, तो वो मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं बिल्कुल जो भी पढ़ाऊँगा वो जेन्युइन पढ़ाऊँगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए कि मैंने इतने क्वेश्चन छुड़वा दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विच वन एमंग द फॉलोइंग रेडिएशंस का कैरीज मैक्सिमम एनर्जी। इसमें से कौन सा रेडिएशन है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी करता है। ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट रेस, ऑप्शन बी गामा रेस, ऑप्शन सी एक्स रेस, या फिर ऑप्शन डी इंफ्रारेड रेस। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गामा रेस। अब देखिए मैं बता देता हूँ, ये आपको इससे याद हो जाएगा, सी गामा एक्स एल आर। ठीक है, बस ये रेस होती हैं, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, लाइट रेस, रेडियो रेस, रेडियो वेव्स, रेडियो एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गामा है ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। अल्ट्रावायलेट आप देखेंगे तो ये लाइट रेस में आ जाती हैं, लाइट रेस आ उसमें तीन टाइप में आपको पढ़ाई गई होंगी। अल्ट्रावायलेट आती है, फिर बाद में आती विजिबल लाइट, फिर तीसरे नंबर पे आती इंफ्रारेड। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट आपकी इधर आ रही है, एक्स रेस गामा रेस के बाद आ रही है, और इंफ्रारेड आपको हमने बता दिया वो लाइट रेस में आती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है कॉस्मिक में, उसके बाद होती है गामा रेस में। ठीक है, और ये आपको मालूम है किस ऑर्डर में रखे हुए हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ये आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 41, आ टिपिकल सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव्ड फ्रॉम ए जियो साइनोक्रोनस कम्युनिकेशन सेटेलाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ऑप्शन ए अ फ्यू माइल वाट्स, ऑप्शन बी किलो वाट्स, ऑप्शन सी वाट्स, या फिर ऑप्शन डी फ्यू पीका वाट्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्यू पीके वाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42, टेलीफोन ट्रैफिक इज मेजर्ड। टेलीफोन का जो ट्रैफिक होता है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विद इको कैंसिलेशन, ऑप्शन बी बाय द रिलेटिव कंजेशन, और ऑप्शन सी इन टर्म्स ऑफ द ग्रेड ऑफ सर्विस, या फिर ऑप्शन डी इन एन लार्ज। तो फ्रेंड्स इसमें आपको सोचने की कतई ज़रूरत नहीं है, इसमें जो चारों ऑप्शन है नहीं होंगे। ठीक है, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका होगा आंसर इसका होगा अरलैंग। ठीक है, ई आर एल ए एन जी। ठीक है, ये आंसर होगा अरलैंग। मैं इसको एक बार फिर से क्लियर लिख देता हूँ, ई आर एल ए एन जी। ठीक है, इससे मेजर किया जाता है टेलीफोन ट्रैफिक। वैसे भी ये थोड़ा ज़्यादा उस टाइप के क्वेश्चन हैं, मुझे नहीं लगता कि आपसे ये सब पूछे जाएंगे, लेकिन लॉजिक गेट्स ये आप सबके में हैं, बट जिस हिसाब से पूछे गए हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली कर भी लेंगे। पॉजिटिव लॉजिक इन अ लॉजिक सर्किट इज वन इन विच, ऑप्शन ए लॉजिक जीरो एंड वन आर रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एंड पॉजिटिव वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी लॉजिक जीरो एंड वन आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव वोल्टेजेस रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी लॉजिक जीरो वोल्टेज लेवल इन हायर देन लॉजिक वन वोल्टेज लेवल, या फिर ऑप्शन डी लॉजिक जीरो वोल्टेज लेवल इज लोअर देन लॉजिक वन वोल्टेज लेवल।
तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई नो कि इसमें से बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन से लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस होगा, लेकिन है सिलेबस में, फिर भी मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया और आपको आंसर तुरंत बता दिया। ऐसे ही आपका 44 भी वैसे ही है, अ हाफ एडार कैन बी मेड फ्रॉम, ऑप्शन ए टू नंद गेट्स, ऑप्शन बी अ नॉट गेट एंड एन और गेट, ऑप्शन सी एन एंड गेट एंड ऑन और गेट, या फिर ऑप्शन डी एन एंड गेट एंड एन एक्स और गेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप ज़रूर देखिए। 45, अ बार मैग्नेट इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट डज इट एक्सपीरियंस। एक बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। ये तो आपने बहुत बार क्वेश्चन, ये तो आपको फिगर ही आपको दिमाग में आ जाएगा। ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी आर टॉर्क, या ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन बी अ टॉर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। और भी प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करिए प्लीज़। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।